आज बात करने वाले हैं अमेजिंग प्लगइन्स के बारे में एंड ये जितनी भी प्लगइन्स हैं ये सारे हार्डवेयर एमुलेशन हैं एंड ये आते हैं फ्रॉम द कंपनी एंटीलोप ऑडियो। लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल पे एक ऑडियो इंटरफेस को रिव्यू किया था एंटीलोप ऑडियो की तरफ से ही ZenGo Synergy Core, काफी अच्छा ऑडियो इंटरफेस है। वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर कार्ट में, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी तक मैं सेम ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। ऑडियो इंटरफेस के साथ कुछ प्लगइन्स भी थी जो कि DSP पावर्ड प्लगइन्स थी। दैट मींस उन प्लगइन्स को यूज करने के लिए आपके पास एक हार्डवेयर होना कंपलसरी है। विदाउट हार्डवेयर ऑडियो इंटरफेस आपकी वो प्लगइन्स वर्क ही नहीं करेंगी। लेकिन अब एंटीलोप ऑडियो ने उन प्लगइन्स का एक नेटिव वर्जन निकाल दिया है। दैट मींस आपको हार्डवेयर की जरूरत नहीं है एंड नाउ आप उन प्लगइन्स को यूज कर सकते हो विदाउट एनी हार्डवेयर। करेंटली Synergy Core नेटिव बंडल में जो प्लगइन्स अवेलेबल है वो है 38, जैसा कि आप देख सकते हो। दीज आर द प्लगइन्स एंड यहां पे इन फ्यूचर एंटीलोप ऑडियो और भी प्लगइन्स को ऐड करेगा। तो आ जाओ फिर, देर किस बात की है, देखते हैं इन प्लगइन्स को। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है एंटीलोप लॉन्चर, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस इज द एंटीलोप लॉन्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा हार्डवेयर अभी कनेक्ट नहीं है, मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए हार्डवेयर को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा ऑडियो इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है। हम आते हैं प्लगइन्स के सेक्शन में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो Synergy Core नेटिव। दैट मीन्स जो प्लगइन्स थी जो हम यूज करते थे ऑडियो इंटरफेस के साथ, नाउ हम उसको अपने DAW में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज दी वर्जन, यहाँ पे एक अपडेट भी आ चुकी है। सो अब इसको करना है जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक, देन उसके बाद ओके। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव आपको राइट्स देने होंगे, सो यस कर देते हैं। देन यहाँ पे आप अपनी प्लगइन्स के लिए लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, मैं डिफॉल्ट रहने दूंगा। डन पे करते हैं क्लिक एंड आपके सामने ऑल कॉम्पोनेंट्स इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ओके पे करेंगे क्लिक एंड यहां से इसको कर देते हैं एग्जिट। नाउ हम ओपन करते हैं अपना DAW विच इज FL Studio। न्यू प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा है सो हमें स्कैन करना होगा। सो यहां से जाएंगे मिक्सर पे, देन उसके बाद इफेक्ट ट्रैक, यहां पे आएंगे मोर प्लगइन्स, देन उसके बाद मैनेज प्लगइन्स एंड फाइंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे करेंगे क्लिक। जब आप प्लगइन्स को स्कैन करोगे देन आपके सामने यहां पे एक्टिवेशन के लिए एक विंडो आएगी। सो एक्टिवेट पे करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे आपको अपना iLock अकाउंट ऐड करना होगा, एंटर करना होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द लाइसेंस और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक एंड आपके सामने एक्टिवेशन सक्सेसफुल। कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे अब जो प्लगइन्स हैं वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो प्लगइन्स स्कैन हो चुकी हैं। यहाँ से अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं सो ये आप देख सकते हो जो येलो कलर में है दीज आर द न्यू स्कैन प्लगइन्स। सो यहाँ पे जस्ट हमें इस पे स्टार पे क्लिक करना है, जितनी भी प्लगइन्स हैं एंड सारी प्लगइन्स ऐड हो जाएंगी। अगर आपके लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार बार करना होगा, सो जस्ट यहाँ पे आप फाइंड पे एंटीलोप को टाइप करोगे एंड जितनी भी एंटीलोप की प्लगइन्स हैं यहाँ पे वो शो हो जाएंगी एंड देन आप यहां से उनको स्टार मार्क कर सकते हो। सारी प्लगइन्स यहां पे ऐड हो चुकी हैं। इसको करते हैं क्लोज एंड अब ट्राई करते हैं कुछ प्लगइन्स को। मेरा जो फेवरेट कंप्रेसर है दैट इज दी 2A, सो यहां से मैं 2A को ऐड करूंगा, ऑप्टो 2A। सो दिस इज दी प्लगइन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है इसका रिसाइज ऑप्शन। यहां पे प्लगइन को क्या हम रिसाइज कर सकते हैं? हां जी, तो हम प्लगइन को रिसाइज कर सकते हैं। बिकॉज मैं 4K स्क्रीन यूज करता हूं सो जो रिसाइज का ऑप्शन है वो प्लगइन में जरूर होना चाहिए। 150% एंड 200%, आई गेस 125 इज इनफ। सो दिस इज द प्लगइन। सो एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं एंड उसमें देखते हैं कैसा ये प्लगइन वर्क करता है। ऑलराइट, सो हेडफोन्स मैंने लगा लिए हैं एंड दिस इज द प्रोजेक्ट। सो यहां पे कुछ मैंने प्लगइन्स को यूज करा था, मैं उन प्लगइन्स को रिमूव कर देता हूं एंड उसकी जगह इनफैक्ट मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ से जो मेरा ऑप्टो 2A कंप्रेसर है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कंप्रेसर है। सो दिस इज दी ऑप्टो 2A कंप्रेसर एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा फेवरेट क्यों है, कुछ ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने रिप्लेस करा है सो जैसा पहले साउंड कर रहा था थोड़ा सा उससे डिफरेंट साउंड करेगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। प्ले करते हैं। और ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कुछ भी कंप्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस पे कंप्रेशन को अप्लाई करने के लिए दिस इज दी पीक रिडक्शन, हमें ये जो नॉब है इसको ट्वीक करना होगा। और ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया। मैनू होर ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया। आप सुन सकते हो वो हल्का सा सटल कंप्रेशन आ चुका है एंड अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ ओवर कंप्रेस करने की। और ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया।
मैनू होर ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की हुई होर ना सताई चल सोनिया। मैंने यहाँ पे गेन रिडक्शन बिल्कुल फुल कर दिया है, जो नॉब है वो मेरी 100% पे है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तब भी ओवर नहीं लग रहा है। यहाँ पे हालांकि मैंने जो नॉब है उसको पूरा ट्वीक कर दिया है, गेन रिडक्शन पूरे तरीके से हो रहा है जितना ये कंप्रेसर कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो वो ओवर कंप्रेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ 2A कंप्रेसर। एंड यहाँ से जो आपका गेन रिड्यूस हुआ है, सो ये दिस इज़ द मेकअप गेन, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया मैनू होर ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया होर ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया मैनू होर ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया। तो जैसा कि आप देख सकते हो जब मैंने ऑन एंड ऑफ करा आपके सामने रिजल्ट्स थे। फिर से मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा जो रिडक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड अब एक बार ही सुनते हैं। और ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया मैनू होर ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया और ना सताई चल सोनिया। सो दिस इज द बिफोर। और ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो एंड दिस इज दी आफ्टर। और ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया मैनू होर ना सताई चल सोनिया पहली जिंदगी तो अक्की होया और ना सताई चल। ऑलराइट, सो दिस वाज द ऑप्टो 2A कंप्रेसर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे हमने पीक रिडक्शन को पूरा ही कर दिया था, नॉब को पूरा ट्वीक कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो ओवर कंप्रेशन वाली चीज़ इतनी हमें सुनने को नहीं मिल रही थी एंड रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। सो आप भी ट्राई कर सकते हो अपने ट्रैक्स के लिए ऑप्टो 2A कंप्रेसर को, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। रिजल्ट्स आपके सामने हैं और भी काफ़ी सारी प्लगइन्स हैं सिनर्जी कोर में जिसको आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है सो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज जतन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।